हेलो स्टूडेंट्स, माँ शारदे को नमन। आपसे एस्पेक्ट आप हमें फोकस करें, हमारे वीजन को सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें इफ इट इज बेटर। आज का हमारा टॉपिक होगा गॉस थ्योरम से कूलम्ब्स लॉ को ऑब्टेन करना। तो फर्स्टली हमें दोनों थ्योरम्स को, दोनों स्टेटमेंट्स को हमें एक बार शॉर्टली संक्षिप्त रूप में जानना होगा, तभी हम एक लॉ को दूसरे लॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं। गॉस स्टेटमेंट ये होता है कि अगर हम कोई भी चार्ज लेके चले और चार्ज को किसी सरफेस के अंदर इनक्लोज कर लें, इनक्लोज के अंदर बंद लेके चले, तो सरफेस से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पास होगा और जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स उस सरफेस से बाहर निकल के आता है उस चार्ज का, इंक्लूजिंग चार्ज का बनापोन एफ साल एन जीरो टाइम्स होता है। तो इट इज द गॉस स्टेटमेंट, गॉस थ्योरम। मीन्स बेसिकली देखिए तो जो फाइ ई होता है, फाइ ई इसका टू बनापोन एफ साल नॉट इन टू क्यू, क्यू इज द इंक्लूजिंग चार्ज इन साइड द सरफेस। और कूलम्स स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर हम कोई भी दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स लेके चले हैं, चार्ज पॉइंट्स लेके चले, किसी भी सेपरेशन पे लेके चले हैं, तो एक दूसरे पे इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हैं, उनके बीच में एक्ट होने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जो वैद्युत बल होता है, वो रिपल्सिव भी हो सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी हो सकता है, जो उन चार्जेस के प्रोडक्ट के तो प्रपोर्शनल होता है, और उनके बीच का जो सेपरेशन होता है, जो गैप होता है, उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एफ साल एन नॉट, क्यू वन का मॉडुलस, एक चार्ज का मॉडुलस, इंटू क्यू टू का मॉडुलस, सेकेंड चार्ज का मॉडुलस। मॉडुलस मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू। क्यू वन मॉडुलस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फर्स्ट चार्ज, क्यू टू मॉडुलस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सेकेंड चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉर द कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ एंड दिस वन इज द गॉस थ्योरम। तो हमें इस ऊपर वाले स्टेटमेंट को, इस थ्योरम को हमें कूलम्स लॉ में कन्वर्ट करना है। हाउ कैन, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम जो स्टेटमेंट है जिसको कन्वर्ट करना है उसको लेके चलेंगे। सबसे पहले हम लेके चलेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के लिए, गॉस स्टेटमेंट के लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक तो प्रेजेंस ऑफ द चार्ज, एक चार्ज होना जरूरी है, दूसरा उसकी सराउंडिंग, उसको कवर किए हुए सराउंडिंग का होना जरूरी है। तो फर्स्टली हम ये मान के चलते हैं, लेट देयर ए पॉइंट चार्ज क्यू, एक क्यू चार्ज है जो किसी सराउंडिंग में है, किसी भी पृष्ठ के भीतर है। लेट देयर ए चार्ज क्यू वन चार्ज कर ले, लेट द चार्ज इज क्यू वन जिसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट चार्ज है, तो उसका जो इलेक्ट्रिकल लाइन्स होगी, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, दैट विल बी रेडियल आउटवर्ड, प्लस का चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। दीज आर इलेक्ट्रिकल लाइन्स, क्यू वन चार्ज की जो इलेक्ट्रिकल लाइन्स कुछ इस तरह की होगी। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक कर्व सरफेस, एक बंद, एक क्लोज सरफेस लेके चलेंगे, उस जगह लेके चलेंगे जहां पर हम एक सेकंड चार्ज Q2 को लेके मान के चले। हमें जो कूलम्स लॉ होता है उसमें दो चार्ज की प्रेजेंस जरूरी है, क्योंकि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, तो दूसरा पहले चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। तो हमने अभी तो क्यू वन चार्ज लिया, उसका अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, और एक सेकेंड चार्ज क्यू टू और लेके चलते हैं जो Q1 से R डिस्टेंस पर है। तो इस पॉइंट पर हमें बस एक बात सबसे पहले कैलकुलेट करनी होगी, एट जहां पर चार्ज Q2 प्लेस्ड है वहां पर फील्ड की पावर कितनी होगी। तो Q1 जो चार्ज का जो फील्ड होगा इस पॉइंट पर वो कितनी पावर का होगा, उसकी हमें फील्ड पावर निकालने गॉस थ्योरम से, उसके बाद हम Q2 पर एक्ट होने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते। तो हमें इस Q2 चार्ज पर फील्ड की पावर निकालनी है, तो इस पॉइंट से पास होता हुआ हम एक क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ करेंगे। क्लोज्ड सरफेस,
यहां पर हमने क्लोज सरफेस ड्रॉ किया हुआ है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ ए स्फीयर, एक गोले के रूप में लिखा हुआ है जिसकी रेडियस स्मॉल आर कंसिडर कर सकते हैं, लेके चलेंगे इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को हम पी कंसिडर कर लें, लेट जो क्यू वन चार्ज का पॉइंट है ओ ले लिया, क्यू टू चार्ज का जो पॉइंट है हमने पी कंसिडर कर लिया। तो गॉस थ्योरम का हम अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले ये करना होगा, जो हम सरफेस लेके चलते हैं वो सरफेस हम एक एलिमेंट्री पोर्शन बना लेंगे, एलिमेंट्री एक अभी हम क्षेत्रफल बना लेंगे, दो वेक्टर ड्रॉ करेंगे बाय इज डी ए वेक्टर, प्रीवियसली आपको बताया होगा, और यहां पर जो इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं जो इस पॉइंट से पास हो रही हैं दैट द ई वेक्टर, दो वेक्टर भी ड्रॉ कर लिए, एलिमेंट्री जो पोर्शन लिया उसका डी ए वेक्टर ड्रॉ कर लिया, फील्ड लाइन ई वेक्टर ड्रॉ कर ली उस पॉइंट पर जहां पर हमें फील्ड पावर निकालनी है पी पॉइंट पर। नाउ सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो एलिमेंट्री पोर्शन है इससे पास आउट, इससे बाहर आने वाला हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई डी। अभी हम क्षेत्रफल जो डी ए है से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अब ये छोटा सा पोर्शन है तो इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा उसको हम लिखेंगे डी फाई डी, डी फाई इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा फील्ड वेक्टर का और डी ए वेक्टर का, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। सिंप्लीफाई करें तो ई इंटू डी ए इंटू कॉस जीरो, मीन्स जो एंगल होता है कॉस के टाइम जो थीटा होता है तो एंगल बिटवीन द फील्ड वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर, तो यहाँ पे जो डी ए वेक्टर है और ई वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो दैट विल बी जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन हो गई तो इट इज द ई इंटू डी ए डी फाई ई। ये जो डी फाई होगा इस अभी हमसे क्षेत्रफल अभी हमसे गुजरने वाला वैद्य फ्लक्स है, अगर हम इस कंप्लीट सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स निकालें देन देयरफॉर टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, जो क्लोज सरफेस है उससे पास होने वाला दैट इज द फाई ई, उसको हम लेके चलेंगे सरफेस इंटीग्रल। एलिमेंट्री पोर्शन से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, एलिमेंट्री पोर्शन किसका एक अवयव है तो इस पूरे गोले का एक अवयव है, तो इससे हम जब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने हैं तो वी हैव टू यूज द सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी फाई ई, वैल्यू पुट करते हैं सरफेस इंटीग्रल डी फाई दैट इज ई इंटू डी। नाउ व्हाट इज द ई, इज द फील्ड पावर, पी पॉइंट पर फील्ड पावर है। अब एक बात आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है, बात को ध्यान रखना है, ये पी पॉइंट इस सरफेस पर है, अगर पी पॉइंट आप यहां पर लेके चले इधर पी पॉइंट लेके चले तो हर एक पी पॉइंट पर जो सरफेस पर है वो इसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ये डिस्टेंस आर है पी पॉइंट, अगर आप यहां पर कंसीडर किए तो डिस्टेंस आर होगा, हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होगा, तो हर एक पॉइंट पर इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो ई की वैल्यू होगी दैट विल बी कांस्टेंट, सेम वैल्यू होगी, तो ई को हम सरफेस इंटीग्रल से आउटसाइड लेके चल सकते हैं, देयरफॉर फाई ई इक्वल टू ई सरफेस इंटीग्रल डी ए। सिंप्लीफाई करना है फर्दर, फाई ई इक्वल टू अभी लिखा हुआ है ई सरफेस इंटीग्रल डी ए, अब हमें गॉस थ्योरम से हमें दो वैल्यू पुट करनी होगी, एक तो सरफेस इंटीग्रल डी ए की वैल्यू पुट करनी होगी, सरफेस इंटीग्रल डी ए, डी ए किसका पोर्शन है इस स्फीयर का, इस गोले का एक भाग है तो इसका जो सरफेस इंटीग्रल होगा वो इसका टोटल सरफेस एरिया, तो सरफेस इंटीग्रल डी ए के प्लेस पर तो हो जाएगा ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इस गोले का सरफेस एरिया। अच्छा फाई ई जो होगा वो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फाई क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जो इस क्लोज सरफेस से पास होगा, तो वो किसके बराबर होता है दैट इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ द इनक्लोजिंग चार्ज, इसके अंदर जो भी इनक्लोजिंग चार्ज है क्यू वन चार्ज है उसका वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू वन,
q1 is the enclosing charge. Here q1. q1 is the enclosing charge. Enclosing charge. From here, field E equal to हम 4πf इस 4πr² को डिवीजन में लेके आए E equal to 1 upon 4πr F साले नॉट Q1 upon R2. Here 1 upon 4πf साले नॉट एक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9. F साले नॉट को हम कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता. तो इट इज द P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पावर है. उस पॉइंट पे हमने फील्ड की पावर निकाल ली Q1 चार्ज की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसके उस पॉइंट पे फील्ड पावर निकाल ली जहां पर चार्ज Q2 प्लेस्ड है. जिस पॉइंट पर चार्ज Q2 प्लेस है वहां पे फील्ड की पावर निकाल ली. अच्छा जो फील्ड की पावर होगी डिफरेंट पॉइंट्स पे अलग अलग होगी. ये जो पॉइंट पास होंगे Q1 पे जो पास पॉइंट होगा फील्ड पावर ज्यादा स्ट्रेंथ की होगी ज्यादा फील्ड पावर होगी. दूर वाले पॉइंट जो फील्ड की स्ट्रेंथ होगी दैट विल बी स्मॉलर. पीक पॉइंट पर फील्ड की पावर ये हो गई. अब आपको ये भी पता होना चाहिए अगर किसी भी फील्ड में अगर हम किसी भी चार्ज को प्लेस कर देते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है. अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेम पावर का फील्ड लेके चले अगर उसकी वैल्यू ई ले लें वैल्यू ऑफ ई अगर इस फील्ड ई में Q0 टेस्ट चार्ज आते हैं Q0 तो जो फील्ड होगा वो उस Q0 पे फोर्स लगाएगा और उस फोर्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी दैट एफ इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू Q0 और वी कैन राइट एफ इक्वल टू Q0 इंटू ई. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिकली कॉमन पॉइंट है जो बहुत एसेंशियल है बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपसे कोई यूं कहे अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई भी चार्ज ले लिया देन व्हाट विल हैपन द सिंपल आंसर जो फील्ड होगा वो चार्ज पर चाहे वो नेगेटिव का चार्ज हो चाहे वो प्लस का चार्ज हो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा और जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा उस फोर्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी एफ बट होगा Q0 इंटू ई. Q0 द टेस्ट चार्ज जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करना है एंड ई इज अ फील्ड जिस पॉइंट पर वो चार्ज Q0 है उस पॉइंट पर फील्ड पावर. तो यहां पर देखो हमने जो Q0 चार्ज है वो Q2 के फॉर्म में है. Q2 वो चार्ज है जो P पॉइंट पर प्लेस है तो हमें Q2 पर एक्ट होने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे जो कौन अप्लाई करेगा Q1 चार्ज का फील्ड. Q1 जो चार्ज उसका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q2 पर जो फोर्स अप्लाई करेगा उस फोर्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज किस चार्ज ऑफ फोर एक्ट होने वाला ऑन चार्ज Q2 फोर्स एक्ट ऑन चार्ज Q2 जो कहां पर है प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र में है. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q1 जो चार्ज Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें है Q2 तो नेचुरली Q2 एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा या जो Q1 होगा वो Q2 पे फोर्स लगाएगा या Q1 का जो फील्ड होगा वो Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा. उस अगर फोर्स को देखें दैट इज F इक्वल टू चार्ज है Q2 जिस पर फोर्स हमें कैलकुलेट करना है Q2 चार्ज पर यहां पर जो फील्ड पावर कर देता E चार्ज Q2 है सो फोर्स निकालना है. इस पॉइंट पर जो फील्ड की इंटेंसिटी है फील्ड की पावर है दैट इज E तो फील्ड पावर को हम चार्ज Q2 से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ Q2 फील्ड पावर E की अगर हम ऊपर से एक्सप्रेशन से वैल्यू पुट करें फॉर्मुला पुट करें तो E के प्लेस में 1 अपॉन 4πε0 Q1 अपॉन R2. प्रीवियसली अभी हमने फील्ड की पावर निकाली R डिस्टेंस पर तो इट इज द फोर्स F इक्वल टू Q2 इंटू 1 अपॉन 4πε0 Q1 अपॉन R2. इस Q2 को अगर हम इस Q2 के साथ में लेके जाएं देन F इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R2. तो दिस इज द फोर्स एक्सप्रेशन वो फोर्स का डेरिवेशन फोर्स का फॉर्मूला है
जो Q2 चार्ज पर लगेगा किसकी वजह से लगेगा, Q1 की वजह से। तो Q1 जो है वो Q2 पे जो फोर्स लगाएगा, या अगर हम इसके रिवर्स वे में देखें, Q2 जो Q1 पे फोर्स लगाएगा उसका फॉर्मूला F=1/4πε0Q1×Q2/R2 जो कूलम्स लॉ रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज द कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। तो देयरफॉर हमने क्या ऑप्टेन किया, गॉस लॉ से हमने क्या ऑप्टेन किया है, कूलम्स लॉ। तो वी हैव टू ऑप्टेन द कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ विद हेल्प ऑफ द गॉस लॉ। थैंक्स अ लॉट।